मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा क्रिकेट से गोलू खेता तक अपनी ही जगह पर स्वरोजगार करने वाले ग्रामीणों को सीलिंग और ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी करने के बाद स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय दुकानदारों ने सभी दुकानें बंद कर MDA के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अमिली भगत से मसूरी में आवासीय नक्शे पास कर उसमें होटल संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और मसूरी देहरादून मार्ग पर पिछले 33 से 35 वर्षों से ग्रामीण अपनी निजी भूमि पर जो है स्वरोजगार कर रहे हैं, जिसके बाद विभाग द्वारा उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा यदि विभाग ग्रामीणों पर कार्रवाई करेगा तो उसका विरोध होगा। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। हमें MDDA द्वारा अतिक्रमण के नोटिस दिए जा रहे हैं। हम लोग 70-80 से उससे पहले से हमारे दादा परदादा भी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी छपरे यहाँ हुआ करती थी। आज हमने रोजगार के लिए अपनी छोटे छोटे दुकानें डाली हैं तो हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। इसी कारण पूरा गांव हमारे यहाँ खड़े हैं और ये लगा लो आपकी किंगरेक से नीचे और ये मैगी पॉइंट तक मैक्सिमम दुकानों को नोटिस दिए जा चुके हैं। अगर हमारी दुकानें टूटती हैं इन गाँवों की, तो मसूरी में जो R3 रेजिडेंशियल में नक्शा पास हो रखा है और उसमें होटल जो है उसमें आ रहे हैं और उसमें जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी जो है ना चल रही है, उसको हम पूर्ण रूप से बंद करवाएंगे। चाहे हमें उसके लिए आधी मसूरी खाली करनी पड़े, चाहे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े।